आप जम्मू जिनकी चिनी कमल माँ कोटि कोटि प्रणाम करत कोटि कोटि नमन करत आवो पावन श्री कथा प्रसंग जी उत्तरकांड की कथा प्रसंग विचार करे के प्रयास करण हिमा वास्तव में देखे जाए नहीं तब भी उत्तरकांड कथे की सब प्रश्न के उत्तर ही उत्तरकांड में छपे चाहे मानस के प्रश्न कहा चाहे जीवन के प्रश्न कहा सबके उत्तर ये उत्तर कांड में छुपे और ऐसा उत्तर कांड है तेन मिले है तो ये कथा प्रसंग में होत का थोड़ की सबके सब मिल के विचार करी के प्रयास कर तो आज ये कथा प्रसंग में देखे जाए ना तब फिर होत का है तो गोस्वामी जी महाराज कह सका कि रहा एक दिन अवध कर अति आरत पुर लोग औ जहां तहां सोचे नारी नर कृष्ण तन राम वियो मने प्रभु राम जी ला 14 वर्ष के वनवास ला लौटे पर एक दिन बाचे माता री सिर्फ और सिर्फ एक दिन है ना प्रभु राम है तेन्हा आज रावण के अंत कर चुके हैं और राम जी आए बर आज एक दिन बाचे वापस अयोध्या मा अयोध्या के पूरा नगर वासी मन तेना आस के नजर से भगवान की अगोरा करते हैं कि प्रभु राम कब आही कब आही ऐसे कह के इसका कि कैसे होगी सबके तरे राम के वियोग मा तक कृष्णन राम वियो मने भगवान की योग में सबके शरीर तेना कैसन हो गए हेबे एकदम दुबला पतला है नी मने शरीर की घलो ठिकाना नहीं है खवाई फेम राम की योग में का करो एकदम कैसे हो गए एकदम पतला दुबला सबके सब है तेना अबे हाल गोस्वामी जी महाराज की सका कि रहे वो एक दिन अवधि अधारा और समुझत मन दुख भय हुआ अपारा भरत जी महाराज के मन है तेना का होते भी ओकर मन दुखी हुआ थे काबर एक दिन बाचे प्रभु राम ला आए बा अब एक दिन बाचे प्रभु राम ला आए बा तो भरत जी महाराज तो कही दे कि प्रभु अगर आप हां आए मैं एक क्षण के भी देर लगा हूं तो मैं अपन प्राण ला त्याग दू आप कहे हो का मोला कि मैं समय में पहुंच जाऊं कह के तो बिल्कुल आप ला समय में आना पड़ी और नहीं आहो तो मैं मोर प्राण ला त्याग दूं के भरत जी महाराज तेना है ना लेकिन भरत जी महाराज के मन सोचत घलो एका ये कि आह धन्या लक्ष्मण बड़ा भागी और राम पधार वृंद अनुरा बर्जी महाराज सोचे थे माता रियो का ये कि लक्ष्मण के जीवन धन्य हो गए लक्ष्मण के जीवन धन्य हो गए जेला भगवान के चरण कमल के सेवा करे पर मिले जेला भगवान के चरण कमल में प्रेम करे के अवसर मिले है नी अब मैं यहाँ टंगा है मोला तो मिल भी नहीं कि भगवान की सेवा करे के अवसर ऐसा ढंग ले आज भरत जी महाराज सोचे थे यानी कहा थे का कि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा ताते नाथ संग नहीं निन्हा भरत जी महाराज मन में सोचे थे कि प्रभु राम लक्ष्मण लपन सेवक जान क्यों ना तो ले गया मोला का चुंदरी कुटिल कपटी चिन्ह भगवान है काबर मोरे सत भगवान लत का हो के वनवास हो है मोरे सत का हो भगवान राम ला वनवास हो गए तो भगवान ने तेरा मोला कपटी जानी अपन भक्त ने जानी यानी अपन सेवक ने जानी ते कष्ट तो भगवान लक्ष्मण लेगी मोला नहीं लेगी ऐसे कहा भरत जी महाराज गोस्वामी जी महाराज की से कहा कि भरत जी महाराज की स्थिति है तेरा राम की वियोग में अब तब हुआ थे की से कहा राम विरह सागर महा राम विरह सागर महा अब भरत मगन मन होत विप्र रूप धरी पवन सुत आई गया वाजरी हो मने किसका
कि भरत जी महाराज के जिन मन हैं, भरत जी महाराज के जिन मन हैं, वो प्रभु राम जी के जिन विरह भी समुद्र है, है नी मने भगवान राम जी के जिन विरह रूपी समुद्र है उमा डूबे लधले है नी कावर राम से कौन दूर होना चाहे, राम से कौन अलग रहना चाहे। ब्रज जी महाराज के मन गलो राम के विरह रूपी समुद्र में डूबे परत है, डूबत है। लेकिन हो इसका तो किसकी वही समय में विप्र रूप धर पवन सुत हनुमान जी महाराज का करिस तो विप्र के रूप ल धरिस, ब्राह्मण के रूप ल धरिस। और ब्राह्मण के रूप ल धरे के बाद मा आयु गयव जनु ओ ऐसे इस ब्राह्मण के रूप ल धर के हनुमान जी भरत जी महाराज के नैया ल बचाए है नी। ऐसे लागत जानो मन डूबत ल सहारा मिल गे। ये ढंगली हनुमान जी महाराज के आज विप्र के रूप में भरत जी महाराज के आगू में आते। निश्चित रूप ले देखो माता जी भरत जी महाराज के जीवन ल तो देखो, भरत जी महाराज के जीवन सचमा राम के चरण कमल प्रेम करने वाला अगाढ़ प्रेम करने वाला को प्रेम करने वाला नहीं अगाढ़ प्रेम करने वाला। अब भरत जी ने भगवान के वियोग में एक पल भी नहीं रह सके। भरत जी महाराज है तेना जब जैसने भरत जी महाराज इतना पता खोलो चली जब निहाल की राम जी वनवास देगी से तो वो समय निहाल मिली और जैसने वापस लौटी और पता चली भरत जी महाराज ला तब भी सोचो अपन माता ला वो खरी खोटी सुना रही थी तोर कोखले में पैदा काबर हुए, तोर कोखले में पैदा काबर हुए ते मोर प्रभु राम ल वनवास भेज दे इसे के। भरत जी महाराज राम के बिना रह ही नहीं सके। मैं तो कहूँ कि ये सीख केवल भरत जी महाराज के जीवन से हम मल्ला लेना चाहे है नी, राम के बिना हम मल्ला रहना नहीं चाहे। काबर राम के बिना जीवन की कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं। ये जीवन मिले है तो राम ला पायवर ही तो मिले है और काबर मिले कहीं चीज पर नहीं मिले हो रामला पाएबर में। ये बात अलग है कि आज ये सामान्य प्रेस माया के बाद जीवन मिले के बाद आदमी माया मोह के चक्कर में भुला गए। हाय मोर बेटी, हाय मोर बेटा, हाय मोर रुपया, हाय मोर पैसा, हाय मोर घर, हाय मोर द्वार, हाय मोर गाड़ी, हाय मोर बंगला, यही सब करत है। लेकिन वास्तव में ये जीवन काबर मिले तो राम लही पाएबर मिले। राम ल राम के चरण कमल में प्रेम करे पर ही ये जीवन हमला मिले और राम नहीं है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की कोई आधार नहीं, कोई महत्व नहीं। तो भरत जी महाराज के प्रेम में हाँ भगवान के चरण कमल में आधार है जो राम के वियोग में आज डूबे परत है। वास्तव में कहूं ये तो भरत जी महाराज संग देखे जाए तो जब राम दिल वनवास हुई तब मंत्री सुमंत जी महाराज ने छोड़ी श्रृंगवेरपुर में और जब छोड़ी तब वो समय जब वापस लौटना रही मंत्री सुमंत जी महाराज अयोध्या तो उस समय घोड़ा मन की स्थिति का रही तक ही से कहा कि रथ वहां की है राम तन हेरी हेरी ही नाय औ देख विषाद निषाद विषाद बस धुन ही शीश पछिता। अध्याकांड दोहा क्रमांक 99 में लिखे मने जब वापस अयोध्या जाना है कि मंत्री सुमंत जी महाराज रथ ला हाकी नहीं वो तो रथ मा जिन घोड़ा फंदाए रही बहु मन है तेन हां प्रभु ला देख देख के ही नाय ला दल की नहीं नहीं प्रभु हम आपला छोड़ना नहीं चाहतन हम आपकी संग संग मा जाना चाहतन हमूला ले चलो आपकी संग मा हम आपके बिना रहना नहीं चाहतन। सोचो ऐसी स्थिति रही तो भरत जी महाराज के मन गलो का राम ल छोड़ दी कदापि नहीं कभी भी राम ल छोड़ नहीं सके भरत जी महाराज के मन। तो हम सब ला भी राम के ही चरण कमल में प्रेम करते चलना है, राम के ही चरण कमल में लगन लगाते चलना है, राम से कदापि हमला दूर नहीं रहना है। लेकिन आज की सामान्य प्रवेश राम से दूर हो जाता कौन प्रकार ले राम से दूर हो जाता अब कौन प्रकार ले आज हम भगवान के भजन ला नहीं करना चाहता। आओ विचार कर एक प्रयास करूं छोटे से भजन के बाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।